अपहरण के दौरान वो जो है उनको खबर दे रही थी, तो उनको हर चीज की जानकारी थी, साथ ही वो हमारे मूवमेंट से लेकर अन्य चीजों की भी जानकारी उन लोगों को दे रही थी। व्यवसायियों का अपहरण कर फिरौती की डिमांड करने वाले गैंग का पर्दाफाश, महिला लश्कर समेत 6 गिरफ्तार, 2 देशों तक फैला था साम्राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी आदित्य राज के साथ। सोनवर्षा थाना से फिरौती के लिए हुए दो अपहरण कांडों में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम की पल पल की गतिविधियां, अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिसंबर 2023 एवं 30 जनवरी 2024 को सोनवर्षा थाना अंतर्गत 2 अलग अलग फिरौती हेतु अपहरण के कांड दर्ज किए गए, जिसमें कि सर्वप्रथम 2 दिसंबर को दवा व्यवसायी कामेश्वर राय का अपहरण किया गया था एवं उन्हीं अपराधियों द्वारा पुनः 30 जनवरी को चिमनी संचालक विजय कुमार के पुत्र अभिषेक का अपहरण किया गया था। ये पता चला है कि ये जो अपहरण हुए थे ये दोनों एक ही गिरोह द्वारा किया गया था। उन दोनों का जो है वो कनेक्शन इंडिया और नेपाल दोनों से है, क्योंकि सोनवर्षा थाना नेपाल बॉर्डर पे अवस्थित है, इसलिए इन लोगों का जो कनेक्शन है दोनों तरफ के कुछ लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिए थे। जो इंडियन साइड का कनेक्शन है उसमें से अधिकतर लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है एवं उन लोगों को आज हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं, जिसमें एक महिला सहित 6 लोग हैं, कुल 5 पुरुष और 1 महिला है। कुछ अन्य लोग जो है जिनके तार अभी इससे जुड़े हुए हैं, कुछ उसमें भारतीय भी हैं जो अभी फरार हैं एवं कुछ नेपाल के भी नागरिक हैं जो अभी हमारी गिरफ्त से दूर हैं, जिन पे अभी हमारा अग्रतर अनुसंधान जारी है एवं जल्दी हम उन्हें भी पकड़कर उनकी सही जगह उन्हें पहुंचा देंगे। बदमाशों की पहचान सोनवर्षा थाना क्षेत्र के बसतपुर लालबंदी निवासी राम पवित्र राय, कन्हौली थाना क्षेत्र के रामनगरा रसलपुर निवासी सुशीला देवी, नीलांबर कुमार, बेला थाना क्षेत्र के रोआही निवासी धर्मन पासवान, सिरसिया बाजार निवासी वीरेंद्र शाह और सोनवर्षा थाना क्षेत्र के कुहरवा निवासी जितेंद्र राय के रूप में की गई है। सदर डीएसपी रामकृष्ण से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। धन्यवाद।